आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन पर, और इस विषय में जो मेरे सीनियर है, मेरे मित्र भी हैं, और मिस्टर वसंत खिस्ती जी, इनसे हम बात करेंगे। ही इज अ वेरी ग्रेट एंटरप्रेन्योर और इनका अबाउट 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सर, पावर ऑफ डिफरेंशिएशन पर जरा हमें आप बताइए। हेलो फ्रेंड, मैं जैसे सर ने बताया 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो इस 45 इयर्स में मैंने काफी कंपनीज में काम किया है एंड और मैंने एक थ्योरी डेवलप करी है पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसमें ये जो थ्योरी है मैंने इंडिविजुअल्स में और ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया है एंड मैंने देखा है कि काफी सक्सेस मिला है लोगों को और कंपनीज को बाय अडॉप्टिंग दिस थ्योरी। तो टू कट इट शॉर्ट आई विल स्ट्रेटअवे कम टू द पॉइंट। एक बार मैं टीवी देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि एक 17 साल की लड़की, उसका नाम है शिवांगी पाठक, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। अब वहां चढ़ने के बाद उसने बोला कि आई वांट टू राइज अबव द क्राउड, मैं भीड़ से ऊपर उठना चाहती हूँ, तो इसलिए वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी उसने। वैसे और एक लड़की थी जो कि एडवर्सिटी में भी उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, जिसने एक एक्सीडेंट में पांव कटने के बाद भी वो चढ़ी थी। तो ये लोग सर मतलब हाथ पांव सब हट्टे कट्टे होने के बाद भी नहीं चढ़ रहा, इच्छा नहीं रखता कि माउंट एवरेस्ट चढ़े। तो ये जो पर्सनालिटीज है ये क्राउड से अपने आप को ऊपर उठाते हैं। और ये थ्योरी इसके बारे में है। सो दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो हम लोग जो है जो ब्रांड्स पहनने की कोशिश करते हैं, कोई नाइकी पहनता है, कोई एडिडास पहनता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको ब्रांड पहनना चाहता है। जैसे हिमा दास अपने स्पोर्ट्समैन है एंड शी इज अ रेसर, तो अभी एडिडास उसको एंडोर्स कर रहा है कि वो उनके जूते पहन के, तो वी कैन आइदर वेयर अ ब्रांड और अ ब्रांड कैन वेयर अस, बिकम अ ब्रांड रादर। सो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कोटेशन है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ रोड एंड आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड। तो हमेशा दो रास्ते अपने सामने होते हैं, एक बड़ा आसान होता है और एक डिफिकल्ट रास्ता होता है। डिफिकल्ट रास्ते पे कोई नहीं रहता है, आसान रास्ते पे भीड़ लगी हुई है, सब जाना चाहते हैं, पर जो डिफिकल्ट रास्ता लेता है उसका लाइफ जो इजी रास्ता लेते हैं उससे बहुत अलग होता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। तो इसी थ्योरी के थ्योरी को मैंने नाम दिया डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन एक जर्नी है और एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक गोल नहीं है, बट एक जर्नी है जिसमें हम अपने आप को थ्रू आउट अवर लाइफ हम अपने आप को डिफरेंट करते चले जाते हैं और उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। वर्ड डिफरेंशिएशन का मतलब है कि भीड़ से अलग अपने आप को डिफरेंट करना, अलग रहेंगे। एंड सर 24/7 एक्टिविटी थ्रू आउट अवर लाइफ टाइम जर्नी, मतलब 90 साल के लोग भी अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, मैराथन में दौड़ते हैं एंड अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। सो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि ट्राई नॉट टू बी ए मैन ऑफ सक्सेस बट बी ए मैन ऑफ वैल्यू। नो वैल्यू क्या चीज है, वैल्यू और कॉस्ट में फर्क ऐसा है कि वैल्यू जो चीज है, अभी एक किला होता है वो किले की कॉस्ट होती है 5 रुपया, पर वो चीज यदि चैरियट में लगा दिया जाए तो वो किले की कीमत इतनी ज्यादा है कि आप एक वॉर जीत सकते हो। हिस्ट्री में ऐसा कहानी भी है कि एक किला नहीं होने से या टूट जाने से रथ का पहिया निकल गया और वॉर जीत गया। द प्राइस ऑफ नेल अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ नेल। सो वी हैव टू बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू। नाउ वैल्यू क्या चीज होती है, कि वैल्यू ऐसी चीज है जो हमें कंटिन्यूअसली अपने आप में ऐड करना पड़ता है। दो किस्म की एक्टिविटी होती है, एक होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और एक होती है वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं खुद को भी और अपने दर्शकों के भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो जब हम घर में पेरेंट्स के साथ में आर्गुमेंट करते हैं तो हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। वो चीज हम अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्कस करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिस्कस करें, तो वो एक वैल्यू एडिशन होता है। तो सिमिलरली गॉसिपिंग या एल्बिंग में केवल समय चला जाता है, कॉस्ट ऐड होती है, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं होती। ट्रू। इसलिए कंटिन्यूसली यदि हम 365 डेज में एक वैल्यू भी ऐड करें तो साल में 365 वैल्यू ऐड हो जाते हैं। ओके, सो वैल्यू वर्सेस प्राइस मैंने आपको बताया।
अब जैसे मोबाइल फोन देखेंगे, आपके पास पुराने मोबाइल फोन थे बड़े वाले, वो मोबाइल फोन का आज वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोई फ्री में भी देगा तो आप यूज नहीं करोगे, आउटडेटेड है वो। हाँ, बट वही मोबाइल फोन आज से 100 साल के बाद एंटिक वैल्यू उसको हो जाएगा। हाँ, तो वो चीज आप जैसे ग्रामाफोन लोग रखते हैं अपने टेबल के साथ, उसका एंटिक वैल्यू है, एंटिक वैल्यू के पुरानी कार रखते हैं उसका एंटिक वैल्यू होता है, तो दैट इज वैल्यू। ओके, लाइफ में आप हमेशा एक क्यू में रहते हैं, या तो क्यू हमारे पीछे रहती है या हम क्यू के पीछे रहते हैं। जब आप कॉलेज पास करते हैं, कैंपस इंटरव्यू होता है, तो आपका क्यू आती है आपको सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आप आईआईटी में, डायलॉग याद आता है इससे कि दीवार में अमिताभ बच्चन कहता है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन हम वहां से शुरू हो जाए। तो इट्स अ वैल्यू एडिंग स्टेटमेंट एक्चुअली, कि ऐसा होना चाहिए सर, हम हमसे मतलब क्यों शुरू हो जाए, हम क्यों में कहीं पीछे नहीं होने चाहिए, बराबर। तो आज अमिताभ बच्चन का नाम लिया, तो आज अमिताभ बच्चन के लिए उनके 75 साल की उम्र में भी प्रोड्यूसर की लाइन लगती है। लाइन, ओके। तो जब आप लाइन में खड़े हैं तो आपकी कीमत जीरो होती है, पर यदि लाइन आपके पीछे खड़ी है तो आप वो टाइम कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, यू बिकम एक्सक्लूसिव। सही है सर, सही सही है। तो डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। डेस्टिनी और एक होता है फ्री विल, कि हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं। जो सक्सेसफुल होता है वो बोलता है मैंने अपने ताकत पे किया है, और जो फेल हो जाता है वो डेस्टिनी पे ब्लेम करता है। तो इसी कंफ्यूजन को निकालने के लिए किसी ने एक सूफी सेंट से बात की थी कि डेस्टिनी क्या है, फ्री विल क्या है। तो बोले जैसे गाय होती है, गाय को हम एक खूंटे से बांध देते हैं तो वो उसकी डेस्टिनी हुई, बट वो रस्सी के डायमीटर में जो कुछ वो करती है तो वो उसकी फ्री विल होती है, उसकी फ्री विल फिर लिमिटेड है, उस विजिबिलिटी में। बट वो खूंटे से निकाल के किसी और खूंटे में डाल दिया, वो उसकी डेस्टिनी है, पर इस चीज को अपन प्रूव नहीं कर सकते। और इसके ज्यादा फ्री विल से यू कैन एक्चुअली डू एनीथिंग, बिकम एनीथिंग एंड बी एक्सक्लूसिव। दैट ट्रू। नो, देयर मैं रोड पे जा रहा था बॉम्बे में, तो ऐसा है बैनर, फाइंड पर्पस मींस विल फॉलो, फाइंड पर्पस मींस विल फॉलो। लाइफ में आप यदि पर्पस रखेंगे आपका, तो उसको फुलफिल करने की जो जरिया है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे आज मदर टेरेसा का जो पर्पस था, होलिस्टिक पर्पस था, सिंधुताई सपकाल का होलिस्टिक पर्पस था कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, आज उसके लिए जो फंड्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं। तो मींस विल फॉलो द पर्पस, यू वुड हैव अ पर्पस, सो यू शुड हैव अ बेसिक रिचर्ड होलिस्टिक पर्पस। रिचर्ड ब्रांसन हैज गिवन अ वंडरफुल कोट आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, एंड ही सेज वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोस। अगर आपका पर्पस क्लियर है तो मींस विल फॉलो। ट्रू। नाउ गोल जो होता है, गोल सेटिंग के बारे में काफी कुछ बोला जाता है, काफी लोगों ने बोला है, पर आपका गोल जो है उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, या उसका फंडामेंटल ये होना चाहिए कि मेरा गोल ऐसा हो जो मैं अपने आप को डिफरेंशिएट करूं। ट्रू। हाँ, गोल सेटिंग में ही ये वाली बातें होनी चाहिए कि आई शुड बी एक्सक्लूसिव, जैसे एप्पल का टेलीफोन है तो वो कंटिन्यूसली अपग्रेड करते जा रहे हैं, नोकिया ने अपग्रेड नहीं किया तो आउटडेटेड हो गया, इसे जर्नी फॉर एप्पल टू कीप ऑन अपग्रेडिंग। ओके, तो व्हेन यू गोल में आपको एंड पॉइंट तो मालूम रहता है, बट आपको ये जरूरी है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको समझ में आए। आपको बॉम्बे जाना है तो कहाँ से जाना है, पूना से जाना है, पूना से जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, तो ऑप्शन बहुत है। तो जितने आपके रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और लाइफ में एक मैप हो जाता है, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट मालूम है, आपके पास में मैप आ जाता है, तो जल्दी बड़ी आसान हो जाता है, ट्रैवल बिकम्स देन इजी एंड एंजॉयबल। तो कबीर जी का एक दुआ है, नाम ना जाने गांव का, बिन जाने के जाओ, चलता चलता जो भया दोन कोस पर गांव। मैं गांव का नाम मुझे मालूम नहीं था, पर जिंदगी भर में घूमता दो कोस पे गांव था। क्या बात है। सही। तो गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइन। ओके, तो उसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। तो हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, आप में टैलेंट है, मेरे में टैलेंट है, सब में टैलेंट है, गॉड गिवन टैलेंट है। बट यदि वो टैलेंट पैशन के साथ मिक्स हो जाए, जैसे लता मंगेशकर का टैलेंट सिंगिंग था और उनका पैशन भी सिंगिंग था, सेम तेंदुलकर का, तो अब उसके साथ 10,000 घंटे की यदि आपकी प्रैक्टिस हो तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाती है। और वो स्किल के साथ यदि कोई एक पर्पज आपने डाल दिया तो आप मास्टर बन जाते हैं।
एग्जैक्टली वंस यू आर अ मास्टर तो फिर वो तो ईश्वर ही आपके थ्रू उस चीज को प्ले करता है. इट्स अ मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट एंड पैशन टुगेदर. तो मास्टर का जब मिशन होता है होलिस्टिक मिशन होता है ग्लोबल मिशन होता है तो वो लेजेंड बन जाता है. सही है. ओके तो ब्रूस ली का एक कोट है एंड वो बोलते हैं कि मैं उस इंसान से डरता नहीं जिसको 10,000 किक आते हैं बट मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिए. ट्रू. ओके तो लाइफ में ये होता है कि हम जो सबके पास 8 घंटा है और वॉरेन बफेट के पास मुकेश अंबानी के पास रतन टाटा के पास आपके पास मेरे पास 8 घंटा है. वो 8 घंटे में कोई 100 रुपए कमा लेता है कोई बिलियन ऑफ डॉलर कमा लेता है. पर जो बिलियन ऑफ डॉलर कमाता है वो इसलिए कमाता है जैसे आप बोलेंगे स्टीव जॉब्स हो गया बिल गेट्स हो गया इन लोगों ने चेंज किया है द वर्ल्ड द वे यू विल यूज द मोबाइल फोन द वे यू आर गोइंग टू यूज द कंप्यूटर. तो वो एक्सक्लूसिव लोग हैं जो दुनिया को चेंज करने में लगे हुए रहते हैं इसलिए उनको वो प्रीमियम मिलता है. ओके तो हर एफर्ट का जो हम एफर्ट डालते हैं उसका एक रिटर्न होता है. तो लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग ऐसा होता है कि जो हम एक्स एफर्ट डाले तो 2x रिटर्न मिलना चाहिए. दैट इज द लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग. जो हम बो रहे हैं उससे दुगना हमें उसका हार्वेस्ट मिलना चाहिए. दुगना सर हार्वेस्टिंग में तो कई गुना मिलता है बट वॉट यू सो is going to grow and you're going to accept that. तो अगर हम लोग decide करें कि अपने आप को differentiate करते हुए specific goal को लेकर हम लोग चले passion और talent को साथ में combination में मस्त काम करते रहे तो अपना ROI जिसे कहते हैं अपने efforts का is going to be a wonderful wonderful thing. तो जब से हम पैदा होते हैं तो ये सिस्टम है चारों बाजू जिसमें आपके माँ बाप भाई बहन भी एक हिस्सा है तो आप एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस में होते हैं. तो आप बच्चे पैदा होते हैं आप खुशी देते हैं माँ बाप को वो खुशी के बदले माँ बाप आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं पढ़ाते दिखाते बड़ा करते हैं जस्ट उस खुशी के लिए. तो हम जिंदगी में कुछ देते हैं कुछ रिसीव करते हैं तो उसका हम पाई चार्ट बना सकते हैं एंड एक पाई चार्ट बना के हम क्या रिसीव क्या दे रहे हैं दुनिया को और क्या रिसीव कर रहे हैं दुनिया से वो हम पाई चार्ट बना के हम खुद का सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं. True. और उस हिसाब से हम अपने पाई चार्ट को ग्रो भी कर सकते हैं बैलेंस भी कर सकते हैं क्योंकि एक घंटे में जितना हम काम करते हैं ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उससे 10 गुना काम करते हैं तो उनका पाई चार्ट बड़ा होता है. Exactly. और बैलेंस्ड होता है उसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है स्क्यूड नहीं होता किसी पैसे कमा रहे हैं ऐसा नहीं. तो उनके उनका फिर समय भी वेस्ट नहीं होता टाइप्स ऑफ एफर्ट जो एफर्ट होता है एफर्ट वर्सेस रिटर्न की बात हो रही तो जो एफर्ट होता है वो एक एफर्ट तो लीनियर होता है. अभी जैसे लता मंगेशकर जी का टैलेंट था सिंगिंग पैशन भी सिंगिंग था उसके बाद में उसको स्किल ऐड किया उन्होंने एक गुरु के पास से गए दूसरे के पास गए तीसरे के पास गए उसके बाद में उन्होंने हिंदी की जुबान सीखी फिर उर्दू जुबान सीखी तो ये एक लीनियर ट्रांजिशन है लीनियर एडिशन है. एवरी एफर्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लास्ट. ये तो सही बात है जो जो चीजें आप कर रहे हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए होनी चाहिए. तो कई चीज नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि हम सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं फिर थोड़ा सा हमने कुकिंग सीख लिया फिर थोड़ा सा मेकअप का सीख लिया ओके फिर हमने तबला बजाना तो उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होगा. नहीं सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं होता और प्रीमियम मिलता है सुपर स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर है ब्रेन का डॉक्टर है सुपर स्पेशलिस्ट है तो 8 घंटे में जनरल प्रैक्टिस से ज्यादा कई कई गुना जाता है. तो जनरल प्रैक्टिशनर और स्पेशलिस्ट ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन वेरी क्लियरली बताता है. और एक मल्टी स्किलिंग होता है जैसे स्विस नाइफ होता है उसमें कैंची भी होती है फाइल भी होता है चाकू भी होता है स्क्रू ड्राइवर भी होता है वो भी एक है जिसमें आदमी मल्टी स्किल्ड है. तो उसमें क्या होता है कि एक टैलेंट एक अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए तो दूसरी स्किल सेट को यूज कर सकता है बट उसको ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलता ज्यादा नहीं मिलता. सही है. सी यू मी एवरीबॉडी हम लोग एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं. अभी आप 10th स्टैंडर्ड पास करेंगे आप एक ग्रुप का हिस्सा हो 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे आप ग्रुप का हिस्सा हो फिर आप इंजीनियरिंग करेंगे ग्रुप का हिस्सा हो तो हम कोई ना कोई ग्रुप का हिस्सा है. पर उस ग्रुप में भी हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके एक स्टेप आगे रहे तो
ज्यादा हमको प्रीमियम मिलता है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी आती है, तो जब कंपनी आती है तो वो आपके जैसे 100 बच्चे हैं वहां पर, तो वो 100 बच्चे में से आप कैसे स्टिक आउट करोगे, उसके लिए आपको ग्रुप से ऊपर राइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन कुछ एक्सपीरियंस एडिशनल ऐड करने पड़ेंगे वो 5 साल में जो आपने किया है। जब बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, उस टाइम में यदि आपने कुछ नया लैंग्वेज सीख लिया, कुछ नया कोडिंग लैंग्वेज सीख लिया, आप ग्रुप में ऊपर हो जाते हो, यह है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो आप एकदम से सर प्राइमरी स्कूल में टीचर ढूंढती थी कि किसको मॉनिटर बनाया जाए, तो दैट मेकिंग अ मॉनिटर इज अ मैटर ऑफ डिफरेंशिएटिंग समबडी आउट ऑफ ऑल द ग्रुप। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है, अभी आप इंजीनियरिंग के बाद में एमटेक करेंगे, एमटेक के बाद पीएचडी करेंगे, तो आप एक छोटे छोटे ग्रुप का हिस्सा बनते चले जाएंगे। एज यू ग्रो अप द साइज ऑफ द ग्रुप रिड्यूसेस, तो आप जैसे जैसे छोटे हिस्सा बनते जाएंगे अपॉर्चुनिटी बड़ी आती जाएगी आपके। ओके, तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है ये इंडिविजुअल्स के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। ऑर्गेनाइजेशन को भी जो अपने सर्विसेज देने हैं, so if it is a solution supplier, it is differentiating itself from a commodity supplier. True. तो ये strategically करना पड़ता है, इसलिए we call it strategic exclusivity, कि इसमें we have to जो roadmap अपना बनता है towards our goal, वो goal में एक element exclusivity का होना चाहिए, कि हम जो भी goal achieve कर रहे हैं, it should be different from other people, like climbing a mountain. And besides different from others, ये जरा higher भी होना चाहिए। हाँ ना सर। कल ही मैं सरप्राइजिंगली देख रहा था कि एक लड़की है 10 साल के है, थाने की लड़की है, सही पाटिल करके, शी साइकिल फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर 4,000 किलोमीटर 10-year-old गर्ल। जब उसने वो फीट किया तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, शी स्टिकिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। True. She has differentiated her efforts. And came into the limelight. Yeah, she's getting the return and reward of it. इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, देन पोजिशनिंग एक्सक्लूसिविटी, आप अपने आप को ऐसी जगह पोजिशन करो जहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो, तो ही आपको प्रीमियम मिलेगा। इट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आप अपने आप को पोजिशन यदि गलत जगह कर देंगे जिसका डिमांड ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ जहां पर अवेलेबिलिटी कम हो, तो आपको उस चीज का प्रीमियम मिलेगा। अभी जैसे स्ट्रेटेजिक एक्सक्लूसिविटी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ओके, रिस्क टेकिंग एबिलिटी यदि आप में, तो आप ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। तो यू आर पोजिशनिंग लाइक इफ आई एम ए टर्न अराउंड एक्सपर्ट, मैं कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनीज को टर्न अराउंड कर सकता हूँ, इफ आई पोजिशन माई सेल्फ एज ए कंसल्टेंट ओवर देयर, मेरे को प्रीमियम मिलता है, बिकॉज एक सिख कंपनी को मैं प्रॉफिटेबल लेके आता हूँ। जैसे कैफे डे का अभी उनके ओनर ने सुसाइड कर लिया था, बट उनकी वाइफ ने टेक ओवर करके उसको वापस प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आए, तो शी विल ऑलवेज गेट ए प्रीमियम। ट्रू। सो एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बनानी चाहिए जी। सो यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एक्सक्लूसिवली, फिर देन व्हाई हाउ यू कैन रीच दैट पॉइंट बाय एडिंग वैल्यू एवरी डे। ट्रू। यू हैव टू कीप ऑन एडिंग वैल्यू, लाइक वी आर एडिंग वैल्यू राइट नाउ। सिमिलरली यू टॉट मी समथिंग यस्टरडे, so that was adding value, I added new tool, new concept. True. So we learn from each other and add value. So every action that we take, there are two actions, one is non-value added activity, one is value added activity. True. जैसे एक रॉ मटेरियल लोहा का टुकड़ा ले लेते हैं हम, लोहा के टुकड़े को लेके हम इसको पेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैल्यू एड करके कर रहे हैं। और ये पेन को हम गिनते बैठेंगे इधर से उधर पेन में, वी आर नॉट डूइंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, बिल्कुल नॉन वैल्यू एडेड। आप बैठ के चिप्स खाते हुए टीवी देख रहे हैं, इट इज नॉट एडिंग वैल्यू। बट आप बाइसिकलिंग कर रहे हैं साथ में टीवी भी देख रहे हैं, इट इज एडिंग वैल्यू टू योर बॉडी। सो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, यू हैव टू डू एक्शन विच विल एड वैल्यू टू ऑल दिस एक्टिविटी। जैसे जैसे सर वैल्यूज एड हो जाते हैं, वैसे वैसे एक्सक्लूसिविटी बढ़ जाती है। जैसे आप कह रहे थे कि योर पाई बिकम्स बिगर, पाई बिकम बराबर ना, या चार्ट बिकम बेटर एंड यू राइज अप अबव द क्राउड। सो एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अच्छा, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल एट्रीब्यूट्स, यदि ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप देखें तो वन इज हु कैन मैनेज थिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो शादी को मैनेज कर पाते हैं, कुछ लोग जस्ट अटेंड करके चले जाते हैं, कुछ लोग नेशन को मैनेज कर रहे हैं,
And there's another attribute is bringing in a change. Somebody who can bring a change. Like our respected Prime Minister today is trying to bring in a change in this country. So that is an exclusive attribute, to manage a country, to bring in a change in the country. True. These are the two abilities, core abilities, which are required. Aap colleges mein jaate hain, college ka annual function jo organize karta hai, he has an exclusive ability to do that. And such people are in demand, who can organize things and bring in a change. So what is future looking like? अभी जो फ्यूचर अपना देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि आप यंग लोग हैं, सब आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, ट्रक्स आ रही हैं, और इतना सारा डिजिटाइजेशन हो रहा है, AI जो बहुत हावी हो गया है आजकल, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब डिसरप्ट कर रही है इकोनॉमी को, द वे बिजनेस विल बी डन, द वे वी विल लिव आवर लाइफ, ये डिसरप्ट हो रही है. एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इज डिसरप्टिंग. जब डिसरप्शन होता है तो अपने आप को वो एंटिसिपेट करना है कि आगे क्या होने वाला है, एंड उस हिसाब से अपने को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यू एड करना पड़ेगा, सो दैट हम वेस्ट ना हो जाए या इनवैलिड ना हो जाए, ऑब्सोलीट ना हो जाए. इसलिए अपने को वी हैव टू कीप ऑन स्कैनिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को स्कैन करके अपने आप को वैल्यू एड करके नए टूल सीख के अपने आप को पोजिशन करना, क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं वो कल रिक्वायर्ड नहीं है. स्किल सेट. हाँ, करेक्ट करेक्ट. समटाइम्स आई ऑल्सो टेल पीपल दैट विद यस्टरडेज फैशन टूडे यू कैन नॉट बी इन बिजनेस टुमारो. अभी देखिए ना, डॉक्टर जो है ये अपने बोन सर्जरी करने वाले डॉक्टर है, हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर है, आजकल रोबोट यूज किया जा रहा है, तो आप मैन्युअली अब नहीं करते हैं, आप नी रिप्लेसमेंट रोबोट के थ्रू कर रहे हैं. तो यू शुड लर्न रोबोटिक्स ऑल्सो, नाउ रोबोटिक्स, तो डॉक्टर हैव टू लर्न दैट ट्रिक ऑफ रोबोटिक्स. मतलब फिजियोलॉजी मालूम है, डायग्नोसिस पूरा कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर वो रोबोट से करना है तो फिर वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा. जो डॉक्टर सीखेगा नहीं वो ऑब्सोलीट हो जाएगा. ऑब्सोलीट, ट्रू, बिल्कुल. बस इतना ही है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट फ्यूचर इज डिसरप्टिव एंड वी हैव टू अलाइन अवरसेल्फ विद द फ्यूचर, नहीं तो हम obsolete हो जाएंगे and we will not be required in this world. Yeah. Thank you very much for having me. And sir, it's so nice. It's so wonderful to be with you today. Friends, देखिए किस तरह से हम अपने आप को differentiate कर सकते हैं और अपने आप को obsolete, outdated होने से बचा भी सकते हैं. तो सर, thank you so much. आपने आपका पूरा wisdom हमें बता दिया. और होप आई मीन वी ऑल विल ट्राई टू एड अ वैल्यू टू आवर सेल्फ, विल यूटिलाइज आवर टैलेंट इन कॉम्बिनेशन विद दी पैशन, एंड विल सर्टनली कीप ऑन टेकिंग एटलीस्ट स्मॉलर रिस्क एंड विल बिकम द स्पेशलिस्ट इन आवर ओन एरियाज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय.